टू जी के क्लासेज सो आज हम स्टैटिक्स का जो है नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करेंगे और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं इसमें फैक्ट चीज़ें आपको आज पढ़ाऊँगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और हाँ मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो जो सीरीज़ में चला रही हूँ उससे क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बिना कोई कन्फ्यूज़न के जो है करेक्ट करके आएंगे, बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चन को आपको हमेशा रिवीजन भी कराती रहती हूँ सो so, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा आज की इस क्लास की पी आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जी के क्लासेस उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए तो आपको डेली क्लासेस के अपडेट एंड पी जो है आसानी से मिल जाएगा तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज़ असत्य को पहचानिए तो देखिए इसमें आपको गलत वाला बताना है देखिए आपको इसमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा जो है गलत है वो आपको बताना है तो सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि सही वाला कौन सा है तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे तो देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले आप चारों ऑप्शन को सबसे पहले पढ़िएगा बिकॉज क्या होता है कभी कभी हम स्टार्टिंग के तीन पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि यही है फिर वहां पे हम उसको राइट कर देते हैं फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है तो सबसे पहले देखिए जो पंडित रविशंकर हैं वो किससे संबंधित है तो वो सितार से तो ये एकदम करेक्ट है पंडित रविशंकर जो है सितार से संबंधित है एंड जाकिर हुसैन ये किससे संबंधित है तबला से ये भी एकदम राइट है एंड सी है उस्ताद बिस्मिल्ला खान ये किससे संबंधित है तो ये है सहनाई से तो इसमें क्या है कि तीनों जो हैं करेक्ट हैं तीनों सही हैं तो गलत इसमें कोई नहीं है तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं क्यों क्योंकि ये तीनों इसमें सही हैं अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आप अगर पहले की क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आप वहाँ पर जाकर एक बार ही जितने भी है एपिसोड वो सारे वहाँ से आप देख सकते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू है निम्न चारों में से असुमेलित है असुमेलित का मतलब किसका जो मिलान है वो सही नहीं है मतलब कौन सा इसमें से तीन सही है कौन सा इसमें से जो है तीन सही है कौन सा इसमें से नहीं है तो देखिए सबसे पहले कामिंग एंड लोहित एंड सबनसिरी एंड काबिनी अगर बहुत से लोग को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये क्या है ये नदियां हैं तो वो तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ये पहली बार वो ये नाम सुनेंगे तो इसलिए मैं मैंने सोचा कि क्वेश्चन आज लेकर आती हूं मैं तो सबसे पहले देखिए ये जो कामिंग है लोहित है एंड सबन सिरी। ये तीनों क्या है ये तीनों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ये तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की क्या है सहायक नदी इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि जो नाम भी आपको याद रखना है नहीं तो आप नहीं सही कर पाएंगे तो कामिंग हो गया लोहित हो गया सबन सिरी, ये यह ब्रह्मपुत्र की क्या है सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में किस नाम से जानते हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं तो तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं क्या कहते हैं सांगपो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी क्या है कामिंग है लोहित है समनसिरी है एंड ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक द्वीप है कौन सा है वो वो है माजुली द्वीप माजुली द्वीप ये किस नदी पर है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है और ये कहाँ पर स्थित है तो ये है असम में असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप तो ये भी आप याद रखिएगा अब देखिए मैंने इन तीनों से रिलेटेड सारे फैक्ट आपको बता दिया है अब हम काबिनी का देखते हैं तो देखिए जो काबिनी है, है ये क्या है ये कावेरी की सहायक नदी है कौन सी नदी की कावेरी नदी की ये कावेरी नदी की सहायक नदी है और इसी कावेरी नदी पर एक बांध है कौन सा है वो मैट्टूर बांध जो मेट्टूर बांध है ये आप लोगों को पता होगा ये किस नदी पर है ये है कावेरी नदी पर और किस राज्य में स्थित है तो ये है मेट्टूर बांध जो है तमिलनाडु में है। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको चारों के चारों याद करा दिए और हमेशा ऐसे क्वेश्चन रिपीट करूंगी सो so दैट आपका रिवीजन भी होता रहे तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री इज निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो वाइटमिन है इन चारों में से वो जल में घुलनशील है तो देखिए दो आपको पता होगा कि एक जल में घुलनशील होता है और एक होता है वसा या फिर लिपिड में तो पहले मैं आपको जल का बताती हूँ तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं एक है बी और एक है सी बी और सी और वसा में वसा में या फिर जिसे लिपिड भी बोलते हैं इसमें घुलनशील विटामिन के क्या नाम है तो वो है ए डी ई के तो ये क्या है ये वसा में है तो बी और सी जल में घुलनशील है एंड ए डी ई के जो है ये वसा या फिर लिपिड में घुलनशील विटामिन है अब मैं आपको इनका चारों का वैज्ञानिक नाम भी बता देती हूँ बिकॉज़ आजकल क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि जो सी का एग्जाम हुआ था उसमें कितना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि सी को और दूसरे किस नाम से जानते हैं डी का के का आपने देखा होगा अगर आपने पेपर दिया होगा तो इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम भी देखिए वाइटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है इसे क्या बोलते हैं रेटिनॉल इसे बोलते हैं रेटिनॉल वाइटमिन ए को इसका वैज्ञानिक नाम है एंड सी को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड यह किस को किसका वैज्ञानिक नाम है तो वाइटमिन सी का और इसी वाइटमिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है यह आपने पढ़ा होगा तो इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है स्कर्वी रोग या फिर जिसे क्या बोलते हैं नाविक रोग भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं स्कर्वी रोग या फिर इसी को बोलते हैं नाविक रोग तो ये किसकी कमी से होता है तो आपको याद रखना है वाइटमिन सी की कमी से अब देखिए जो डी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कैलसी फेरॉल ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा गया था अभी जो एग्जाम हुआ था हाल ही में कैलसी फेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सी फेरॉल एंड वाइटमिन के का क्या नाम है तो इसका है फीलो -क्विनौन. ये भी याद रखिएगा इसका नाम है फिलो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा सो so दैट आपको रिवीजन करने में आसानी होगी तो देखिए एक बार मैं आपको सब बताती हूँ किसका क्या वैज्ञानिक नाम है तो चलिए ध्यान से देखिए वाइटमिन ए का है रेटिनॉल वाइटमिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड वाइटमिन डी का है कैलसी एंड वाइटमिन के का है फिलो और मैंने आपको बताया कि वाइटमिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है स्कर्वी एंड नाविक और मैंने अभी आपको बताया कि जल में घुलनशील विटामिन है बी सी एंड वसा में या फिर लिपिड में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सा जो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन सा जो वाइटमिन है वो हार्मोन की तरह काम करता है याद बताइएगा मुझे कि कौन सा जो विटामिन है वो हार्मोन की तरह हार्मोन की तरह काम करता है और कल मैंने कल वाले जो क्लास लिया था मैंने उसमें मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था एक की जो अश्व घोष है वो कौन सी वो भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों ने आंसर नहीं दिया उसका कि जो अश्व घोष है ये कल मैंने आपसे पूछा था कि अश्व घोष जो हैं ये कौन सी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे तो ये जो हैं चौथी बौद्ध संगति के क्या थे उपाध्यक्ष याद रखिएगा और अध्यक्ष कौन थे तो वसुमित्र थे और ये थे उपाध्यक्ष और एक क्वेश्चन और मैंने आपसे पूछा था कि जो बाण भट्ट है वो किसके दरबार के कवि हैं तो ये किसके हैं हर्षवर्धन ये दोनों क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क दिया था तो ये भी मैंने आपको बता दिया तो ये हर्षवर्धन के दरबार के कमी थे और आज का भी क्वेश्चन याद रखिएगा जो भी मैंने आपसे पूछा कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कौन सा है तो चलिए चार क्वेश्चन भी आपके सामने है अभय घाट ये किसका है तो ये है मुरारजी देसाई मुरारजी देसाई का जो मुरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट चित्रा भूमि ये किसका है तो ये है भीमराव अंबेडकर ये किसका है भीमराव अंबेडकर जी का है एकता स्थल तो याद रखिएगा इस ये किसका है ज्ञानी जैन सिंह ज्ञानी जैल सिंह एंड लास्ट विजय घाट तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी का तो देखिए अभय घाट है, है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल चेत्रा भूमि जो है भीमराव अंबेडकर जी का है एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का है एंड विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री का तो इसमें पूछा था कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है तो वो है ऑप्शन नंबर डी विजय घाट और शांति वन किसका है ये भी मैं आपको बता रही हूं शांति वन जो है ये किसका समाधि स्थल है तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी का जवाहरलाल नेहरू जी का एंड शक्ति स्थल शक्ति स्थल ये किसका है तो ये है इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो है शक्ति स्थल और शांति वन है जवाहरलाल नेहरू जी का तो ये थे चार क्वेश्चन में मैंने आपको पांच छह क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिया है तो अब ये सारी बातें भी आप याद रखिएगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का है क्वेश्चन नंबर फाइव निम्न में से किस नृत्य का किस डांस का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ से है तो देखिए छत्तीसगढ़ का आपको बताना है कि इसमें से चारों में से, चारो से डांस जो है कौन सा छत्तीसगढ़ से है तो इसके थ्रू मैं आपको अलग से भी बता रही हूँ बीहू कहाँ का है आप सबको पता है ये तो बहुत बार पूछा हुआ है तो इसलिए सबको याद होगा बीहू है असम का लावनी है महाराष्ट्र का लावनी जो है वो कहाँ का है महाराष्ट्र का है नौटंकी कहां का है तो ये है उत्तर प्रदेश का है नौटंकी एंड पिंडवानी ये कहां का है तो ये है छत्तीसगढ़ पिंडवानी है छत्तीसगढ़ का तो इसका राइट आंसर क्या होगा छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा है तो वो है ऑप्शन नंबर डी पिंडवानी और अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि जो तीजन बाई है ये करंट का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया था कि तीजन बाई का जो संबंध है वो किस नृत्य से है तो इनका जो संबंध है वो किससे है पिंड से है तो याद रखिएगा तीजन बाई का संबंध कौन से डांस से है तो वो है पिंडवानी और पिंडवानी कहां का नृत्य है तो वो है छत्तीसगढ़ तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स निम्न में से किसे 1954 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है नहीं वाला बताना है कि कौन सा इसमें से है जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है तो देखिए जो सी रमन है एंड राजगोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्ण इन तीनों को जो है 1954 में क्या किया गया था भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन तीनों लोग को भारत रत्न से सबसे पहला ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहला जो है 1954 में सम्मान किया गया था सम्मानित किया गया था जो कि भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान है कौन सा है वो भारत रत्न उससे केवल तीन लोगों को ही सम्मानित किया गया था सबसे पहले तो याद रखिएगा तो इन तीनों लोगों को जो है सबसे पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और सर्वपल्ली राधाकृष्ण कौन थे तो ये भारत के भारत के फर्स्ट पहले उपराष्ट्रपति ये भी याद रखिएगा ये क्या थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्हें भी 1954 में इन तीनों लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो किसे नहीं किया गया था तो वो है विधान चंद्र रॉय इनको जो है सम्मानित नहीं किया गया था इन्हें कब किया गया तो इन्हें 1961 में किया गया इन्हें 1954 में नहीं इनको 1961 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इन्हीं के जन्मदिवस पर याद रखिएगा इनका जो जन्मदिन है वो कब है एक जुलाई इन्हीं के जन्म दिवस पर एक जुलाई को जो है राष्ट्रीय डॉक्टर डे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय डॉक्टर जो राष्ट्रीय डॉक्टर डे है वो इन्हीं के दिवस पर एक जुलाई को हम हर साल मनाते हैं तो कौन है वो विधान चंद्र रॉय इनको 1961 में सम्मानित किया गया था और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मरणोपरांत मरणो पर, मर्रो परांत जो है सॉरी मैंने गलत लिख दिया देखिए मरणो परांत हाँ तो देखिए जो परांत है वो पहला फर्स्ट पहला भारत रत्न जो है किसे मिला किसे सम्मानित किया गया मरणो परांत तो वो जो ये पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है तो किसे किया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को और कब किया गया था 1966 में तो ये था तो ये क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में और ये पहला है फर्स्ट है कि मरणोपरांत जो है किसे जो है पहला भारत रत्न उससे सम्मानित किया गया तो वो है लाल बहादुर शास्त्री जी नाइनटीन में तो ये था इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर होगा विधान चंद्र रॉय क्योंकि इन्हें 1961 में सम्मानित किया गया था और इन्हीं के जन्मदिवस पर हम हर साल जो है डॉक्टर डे मनाते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें जो है ये जो रोग वाले क्वेश्चन एक दिन और मैंने आपको पढ़ाया था आपने वो सीरीज़ नहीं देखी होगी तो आप जाकर जरूर देखिएगा उसमें मैंने रोग के बारे में बताया है क्योंकि रोग वाले जो क्वेश्चन होता है आप ज़रूर देखिएगा आपके आप, को, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अगर उसमें स्टैटिक का पार्ट आता है तो उसमें ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन uh, क्या है हैसन रोग किस रोग को कहते हैं तो आपको ये बताना है कि हैंसन रोग है ये ये किस रोग को कहते हैं तो चलिए हम देखते हैं अब तो ये किसे कहते हैं ये कुष्ठ रोग को कहते हैं कुष्ठ रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं लेप्रोसी 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 किसे कहते हैं कुष्ठ रोग को कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं हैंसन रोग और यह किस जीवाणु से होता है जीवाणु भी याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रो माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लैप्री जीवाणु पूरा नाम है माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लैप्री जीवाणु तो देखिए कुष्ठ रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है तो माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लैप्री जीवाणु और इसी को क्या कहते हैं हैंसन रोग एंड इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेप्रोसी अब देखिए टिटेनस का टिटेनस वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि ऐसे घुमाकर पूछा था कि धनुष्टंकार रोग किसे कहते हैं तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि टिटेनस को जो है धनुष्टंकार एंड क्या बोलते हैं इसको लॉक जॉ तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे तो एग्जाम में ये पूछा हुआ था इसलिए वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि जो धनुष टंकार है वो भी किसे कहते हैं टिटेनस को ही कहते हैं यहां पर मैं लिख देती हूँ धनुष्टंकार या फिर इसे बोलते हैं लॉक जौ तो धनुष्टंकार एंड लॉक जॉ किसे बोलते हैं टिटेनस को बोलते हैं तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा एंड सी रेबीज रेबीज को क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया ये किसे बोलते हैं रेबीज और आपको पता है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है तो वो होता है रेबीज इसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं पानी से डर लगना और इसके टी, इस रेबीज के टीके की खोज किसने की थी तो वो की थी लुई पास्चर ने ये भी आप नाम याद रखिएगा अब चलिए और हां मैंने आपको एक बताया था कि जो रेबीज जो है वो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेबीज जो है किससे होता है बैक्टीरिया से होता है वायरस से होता है किससे होता है फंगस से होता है तो याद रखिएगा जो रेबीज है वो किससे होता है विसाड़ू से नाम आप याद रखिएगा विषाणु के कारण होता है रेबीज और हीमोफीलिया को क्या कहते हैं इसे बोलते हैं शाही रोग क्यों क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी को हुआ था इसीलिए इसे बोलते हैं शाही रोग तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछता है अब देखिए यहाँ पर कुष्ठ आया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इमारतों का इमारतों का जो कुष्ठ है वो किसे कहते हैं इमारतों का कुष्ठ किसे कहते हैं तो देखिए इमारतों का कुष्ठ क्या होता है एसिड रेन एसिड रेन को क्या कहते हैं इमारतों का कुष्ठ। तो एक है एच टू कौन फोर और दूसरा क्या तो है एच एन ओ थ्री एच एन ओ थ्री ये दोनों क्या है एसिड रेन है एच टू फोर को बोलते हैं अम्ल एंड एच एन ओ थ्री को बोलते हैं अम्ल तो ये क्या है एसिड रेन है और ये इसी इन्हीं को क्या बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग और इन्हीं के इसी एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल का रंग है वो हल्का पीला हो रहा है तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा जो भी मैं पढ़ाते टाइम मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ एक दो चीज़ें मैं आपको साथ में बताती जाऊँ क्योंकि ये देखिए ये जो इमारतों का कुष्ठ रोग है ये अभी जो आपका पेपर हुआ था यूपी टेड एंड सी टेड दोनों में पूछा था कि एसिड रेन कौन कौन से होते उसमें आपको एलिमिनेट करना था एस टू एस ओ फोर और भी बहुत सारे दिए थे तो ये अगर आपको पता होगा तभी तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछता है कि कौन सा राज्य किससे सीमा बनाता है और किससे सीमा नहीं बनाता है तो इसमें हम, हमें क्या बताना है नहीं वाला तो आपको पता है कि बांग्लादेश जो है बांग्लादेश से जो भारत की जो सर्वाधिक सीमा है भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो बांग्लादेश से ही लगती है कितनी चार हजार छानबे किलोमीटर तो ये तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सीमा जो है बाउंड्री भारत जो है किसके साथ आ, करता है शेयर तो वो है बांग्लादेश और कितना चार हजार छ चार हजार छानबे किलोमीटर अब ये जो है मैं आपको इसको एक ट्रिक से याद कराऊंगी आपको ये तो पता होगा कि बांग्लादेश से जो है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल भी सीमा बनाता है और अभी जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं सीएम है वो कौन है ममता बनर्जी वो है ममता बनर्जी तो मैं इन्हीं के नाम से आपको याद करा दूंगी और आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि बांग्लादेश सीमा कौन बनाता है बनाना बनाने वाला याद होगा तो नहीं वाला आप आराम से कर लेंगे तो देखिए इसकी इसकी जो ट्रिक है उसे देखिए ममता मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी तो बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल भी बनाता है तो उन्हीं के नाम से हम इसे याद करते हैं तो देखिए एम से हो गया मेघालय या फिर आपको इसके पहले कोई ट्रिक याद होगा तो आप उसे भी सही कर सकते हैं ए से हो गया असम असम हो गया फिर से एम है तो या देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि मान लीजिए दो बार एम आया है तो ट्रिक के साथ ये भी ये भी याद रखिएगा कि दो एम का मतलब क्या होता है पता नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस एम का मतलब मणिपुर समझ लें तो मणिपुर नहीं होता है इसका मतलब होता है मिजोरम तो मणिपुर तो इसमें आएगा ही नहीं ये दोनों आएंगे क्योंकि म से मेघालय भी है मिजोरम भी है मणिपुर भी है मणिपुर भी है तो कंफ्यूज मत होइएगा एक एम से होता है मेघालय और एक एम से होता है मिजोरम मणिपुर नहीं तो ये हो गया एंड टी से आ गया त्रिपुरा फिर से ए आ गया है तो इस ए का मतलब अभी मैं आपको बताती हूं फिर से ए आया तो इसका मतलब हुआ असम अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर भी असम लिखा है और यहाँ पर भी असम लिखा है ये कैसा ट्रिक है तो ये इसलिए लिखा है इससे मैं आपको दो चीजें याद कराना चाहती हूँ क्योंकि बांग्लादेश से जो है केवल एक ही राज्य है असम जो कि दो बार दो बार सीमा बनाता है तो अगर इस ट्रिक में जो है दो ए आएगा यहां पर देखिए दो ए आएगा तो आपको यह तो याद होगा ही कि बांग्लादेश से जो है असम सीमा बनाता है साथ में आपको यह भी याद होगा कि बांग्लादेश से जो है असम दो बार सीमा बनाता है कितनी बार दो बार सीमा बनाता है तो देखिए इसीलिए यहां पर दो ए है एंड बनर्जी का मतलब आपको पता ही है कहां की है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो वो हैं वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल की हैं अब देखिए अब एक चीज और बताऊंगी कि जो मिजोरम है यहां पर देखिए मिजोरम ये जो है सबसे कम सीमा बनाता है सबसे कम सीमा जो है सबसे कम बाउंड्री कौन शेयर करता है तो वो है मिजोरम और त्रिपुरा त्रि, त्रिपुरा का देखिए जो थ्री है थ्री का मतलब आप याद रखिएगा थ्री का मतलब तीन आप ऐसे समझ लीजिए तो त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से जो त्रिपुरा है वो कितनी साइड से तीन ओर से घिरा हुआ है तो देखिए आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये समझा दिया तो बांग्लादेश से बाउंड्री कौन कौन बनाता है तो वो है ममता बनर्जी ये ट्रिक है क्योंकि पश्चिम बंगाल भी इसमें आता है तो मैंने उसी के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश की है तो एम से हो गया मेघालय ए से हो गया असम एम से हो गया मिजोरम याद रखिएगा मणिपुर को कभी भी इसमें मत याद ये मत सोचिएगा कि इसमें मणिपुर भी होगा एम का मतलब तो इन दोनों एम का मतलब याद रखिएगा एक का है मेघालय एक, एक का मिजोरम एंड फिर से टी से हो गया त्रिपुरा जो कि तीनों से घिरा है फिर से ए है असम क्यों दो बार असम क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ कितनी टू बाउंड्रीज मतलब दो बार जो है बाउंड्रीज शेयर करता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ दो बार अपनी सीमा जो है बनाता है तो वो है असम और त्रिपुरा वाला भी पूछा था कि तीन ओर से कौन सा घिरा हुआ है तो वो है त्रिपुरा थ्री से याद रखिएगा और बनर्जी तो पश्चिम बंगाल तो इसमें आएगा ही तो अब देखते हैं हम ऑप्शन को पश्चिम बंगाल शेयर करता है त्रिपुरा जो है तीन ओर से घिरा हुआ है असम जो है दो बार बाउंड्री शेयर करता है एंड मिजोरम तो होगा ही तो मणिपुर जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है मैंने अभी आपको बताया कि मऊ से याद रखिएगा एक होगा मऊ से याद रखिएगा एक होगा मिजोरम और एक होगा मेघालय मणिपुर इसमें नहीं आएगा आई होप आपको याद हो गया होगा एक दो बार आप इसे पढ़िएगा या वीडियो को एक दो बार आप फास्ट मोड पे भी देख लेंगे एक बार अच्छे से देखिएगा और दूसरी बार थोड़ा फास्ट करके देखेंगे ऐसे आप बीच बीच में देखते रहिएगा ज्यादा आपका टाइम इसमें वेस्ट नहीं होगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन निम्न में से किसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया देखिए जो पहला वाला क्वेश्चन होता है ना हर चीज का पहला कि भारत के पहले गवर्नर जनरल भारत के पहले वायसराय भारत में पहला भारत रत्न ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने देखा होगा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत का जो पहला वायसराय वो कौन है कैनिंग बंगाल के पहला जो गवर्नर है वो क्लाइव है बंगाल रिवीजन करा रही हूँ साथ में ही बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल है, हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं एंड भारत के पहले जो गवर्नर जनरल वो क्या है वो कौन है विलियम बेंटिक तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि एक बार आपको बता देती हूँ तो ये पहली चीजें जो होती हैं वो ज्यादा पूछा जाता है तो इसमें सबसे पहले ये पूछा है कि निम्न में से किसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी राशि कितनी होती है कितना दिया जाता है ग्यारह लाख ग्यारह लाख इसमें धनराशि दी जाती है और इसमें जो पहला सबसे पहले ये मिला था जी जी शंकर कुरूप या जिसे जी, जी एस कुरूप भी बोलते हैं आप पूरा नाम याद रखिएगा जी शंकर कुरूप किस भाषा के लिए मलयालम मलयालम भाषा के लिए इनको मिला था सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में इन्हीं को मिला है जी शंकर कुरूप को और पहली महिला कौन है जिन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वो है आशा पूर्णा देवी ये क्वेश्चन तो है ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में आपने देखा होगा कि जो यूपी के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था इस बार जो भी अभी पहले हुए हैं चुनाव के पहले की बात कर रही हूं अभी तो वैसे भी खैर कोई एग्जाम ना तो कोई डेट आई है ना ही अभी कुछ पता है कि कौन सा एग्जाम होगा तो देखिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से जी शंकर कुरूप को सम्मानित किया गया है किस भाषा के लिए मलयालम भाषा के लिए तो ये तो पहला है इसमें पुरुष महिला कुछ ऐसा नहीं है सबसे पहला इन्हीं इनको ही मिला है जी शंकर कुरूप को बट अगर ये पूछे कि पहली महिला कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वो है आशा पूर्णा देवी तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा अब देखिए अंग्रेजी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला तो वो है अमिताभ घोष इनको अंग्रेजी का जो है इंग्लिश का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सबसे पहला किसे मिला पहला है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पहला ये सारे मैं पहला ही बता रही हूं तो वो है अमिताभ घोष तो ये थी और ये जो अकितम अच्युतम नंबूद्री हैं इनका जो है हाल ही में निधन हो गया और ये लेटेस्ट है मतलब वर्तमान में है किस नंबर का है नंबर भी पूछता है तो ये है पचपन पचपन नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसे मिला है तो वो है अकितम अचितम नम्बूद्री का नम्बूद्री को और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया ये लेटेस्ट वाला है वर्तमान वाला है तो वर्तमान वाला भी आप याद रखिएगा कौन से क्रम का है पचपन फिफ्टी फाइव तो चलिए एक बार देखते हैं अमिताभ घोष को अंग्रेजी का मिला है सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया पहली महिला कौन है जिन्हें मिला है तो वो है आशा पूर्णा देवी और अभी हाल ही में जो करंट वाला है वर्तमान में वो पचपन नंबर का है अकितम अचुतम नंबूदरी को मिला है इनका निधन हो गया है तो ये था ये सारी चीजें अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन निम्न में से किस पुस्तक की रचना आर के नारायण द्वारा की गई है आपको बताना है कि आर के नारायण द्वारा कौन सी बुक की रचना की गई है तो वो है मालगुड़ी डेज जो मालगुड़ी डेज है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है आर के नारायण के द्वारा की गई है और ये जो लाइफ डिवाइन है लाइफ डिवाइन ये किसकी है तो ये है अरविंद घोष लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष और इनकी एक और बुक है वो भी मैं आपको यहां पर लिख के बता रही हूं इनकी जो एक और बुक है वो कौन सी है एसेज ऑन गीता एसेज ऑन गीता।, गीता एसेज ऑन गीता।, 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 गीता ये भी अरविंद घोष की है वेल्थ ऑफ नेशन ये किसकी है तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की है ये है एडम स्मिथ और इनको आपको पता ही है किसके फादर हैं ये, किसके जनक हैं? तो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हैं एडम स्मिथ और इन्हीं की कौन सी है वेल्थ ऑफ नेशन मालगुड़ी डेज आपको पता ही चल गया आर के नारायण द्वारा एंड माय कंट्री माय लाइफ ये किसकी है तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी लाल कृष्ण आडवाणी जी की क्या है माय कंट्री माय लाइफ तो देखिए सबसे पहले लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष की और इनकी एक और बुक है एसेज ऑन गीता एंड सी है मालगुड़ी डेज ये किसकी है आर के नारायण जी की एंड माय कंट्री माय लाइफ ये किसकी है लाल कृष्ण आडवाणी जी की है तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा आर के नारायण का वो होगा मालगुड़ी डेज तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत स्पेशल क्लास थी आज की आप इसे जरूर देखिएगा ऐसा नहीं कि बीच में स्किप कर देंगे क्या क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने स्किप किया है वही पूछ दे। इसलिए पूरी वीडियो जो है लास्ट तक देखिए जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो आपको एक कंटिन्यूटी जो है उसको मेंटेन करके रखनी चाहिए सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी सिविक्स सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है और मेरी जो मेहनत है जो मैं हार्डवर्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए उसके लिए अगर आपको सच में मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा कल फिर से मिलूंगी आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ जो कि आपको एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग